हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा के मिसाइल डेवलपमेंट के बारे में, कि के मिसाइल कौन डेवलप कर रहा है और क्यों इसकी ज़रूरत है और कब से डेवलप शुरू हुआ है और कब तक इसका देश को मिल जाएगी K6 मिसाइल। तो आज बात करेंगे इसके, थोड़ा प्रीव्यू में आपसे बताता हूँ। 2018 में एडमिरल अरुण प्रकाश ने कहा था कि अपने पास जो अरिहंत क्लास की मिसाइल है वो अपने बुरे समय में जो दुश्मन कभी अटैक करता है तो अपने लिए ये कैपेबल नहीं है, क्योंकि इसका रेंज बहुत कम है और अपने को 6000 से 8000 रेंज की मिसाइल चाहिए जो सबमरीन से हम लोग लॉन्च कर सके। तो उसी टाइम बात हुआ था, तो K6 मिसाइल डेवलप करने के बारे में बात चला था। तो फरवरी 2017 से K6 का डेवलपमेंट प्रारंभ हुआ था और इसको एडवांस नेवल सिस्टम लेबोरेटरी ऑफ DRDO, जो DRDO का एक लैब है, एडवांस नेवल सिस्टम लैब, वो इसको विकसित कर रहा है। और जो इसको टारगेट रखा गया है वो 10 साल का रखा गया है, क्योंकि 10 साल में इसको डेवलप कर लिया जाएगा। K6 मिसाइल K5 के बेसिस पे डेवलप किया जाएगा और K5 जो है बहुत ज़्यादा तक क्या डेवलप कर चुके हैं, तो उसी के बेस पे K6 को डेवलप्ड किया जाएगा। इट्स जो 3-स्टेज मिसाइल होगी और इसका जो फ्यूल सिस्टम होगा वो सॉलिड होगा। ये 3-स्टेज मिसाइल होगी और इसका फ्यूल सिस्टम होगा वो सॉलिड बेस्ड फ्यूल सिस्टम होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का स्टडी साइंस फॉर साइंस के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं शशि। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा, रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और सबसे बड़ी बात है कि आप वीडियो पर बने रहें, क्योंकि मैं आज K6 मिसाइल के बारे में बात कर रहा हूं और K फैमिली मिसाइल के बारे में भी थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। K स्टैंड फॉर कलाम, ये जो K है ना ये कलाम सर को डिनोट करता है, इसलिए K फैमिली की मिसाइल, इसका जो अपोजिट वेरिएंट है वो अग्नि है, अग्नि के टाइप ही K6 की मिसाइलें हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए आगे बात करते हैं K6 मिसाइल के बारे में। ये K6 मिसाइल है जो ये 3 टन पेलोड ले जाने की इसकी क्षमता है। ये 12 मीटर की मिसाइल होगी और इसका डाया होगा 2 मीटर। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है K6। इन सर्विस कब से है, तो अभी ये डेवलपमेंट स्टेज में है। डिजाइनर इसका DRDO है, एडवांस नेबल लेबोरेटरी DRDO। लेंथ 12 मीटर होगा। वार हेड ये 3000 kg यानी 3 टन विथ न्यूक्लियर वार हेड के साथ ये कैपेबल होगी मिसाइल। इसका लॉन्च होगा S5 क्लास की सबमरीन जो भी विकसित की जा रही है वो भी। ऑपरेशनल रेंज 6000 से 8000 किलोमीटर होगा, जो कि यूरोप और अमेरिका को अपने जज में ले लेगा। तो आगे बात करते हैं, ये जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है ये मोस्टली इसका जो अभी क्या बोलते हैं ना इंफॉर्मेशन और क्लासिफाइड रखा गया है, वो ज़्यादा बताया नहीं गया है। जब डिस्क्लोज होगा तो मैं भी आप लोगों के साथ लेके आऊँगा। और ये कहा जाता है कि ये अपनी जो इसकी काउंटर पार्ट लैंड मिसाइल अग्नि है, इससे ज़्यादा लाइट है और इससे ज़्यादा कैपेबल ये K सीरीज की मिसाइलें हैं। तो K फैमिली है इसकी, इसके बारे में आपसे बात करता हूँ। पहली मिसाइल K15 है, ये भी है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, SRBM है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसका रेंज है 750 से 1500 किलोमीटर और ऑपरेशन में है, ये ऑलरेडी ऑपरेशन में है। दूसरा है K4 SLBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका रेंज 3500 किलोमीटर है और इन प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इसका चल रहा है। K5 कलाम 5 SLBM ये आल्सो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च फ्रॉम सबमरीन, इसका जो वो है रेंज है वो 5000 से 6000 किलोमीटर है और इन डेवलपमेंट स्टेज में है, विकसित की जा रही है। K6 SLBM है, ICBM ये भी है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है।
इसका रेंज रहेगा 6000 से 8000 किलोमीटर और ये भी डेवलपमेंट स्टेज में है। तो आज हम लोग बात किए के फैमिली मिसाइल, पार्टिकुलरली K6 के बारे में, और ये बहुत ही दमदार मिसाइल होगी, सबमरीन लॉन्च्ड होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।